This beautiful Indian girl from London is a great admirer of the work you're doing for India. ये मैसेज फ्लैश हुआ जुलाई 2022 में 59 वर्षीय प्रदीप कुरुलकर के फोन पर, जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO भारत की प्रमुख मिलिट्री रिसर्च एजेंसी में एक सीनियर साइंटिस्ट था। हमेशा पर्दे के पीछे गुमनाम काम करने वाला इस आदमी को सामने से वाहवाही मिलने पर काफी खुशी हुई। ओह वाओ, आप बड़े काइंड हो, लेकिन हो कौन आप? और फिर बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ समझो शिकार जाल में फंस गया। My name is Sara Dasgupta, sir, an engineering student. बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता? Sir, I would be honored if you helped me with my research on engineering systems. जरूर जरूर, क्यों नहीं? इसी बहाने चैटिंग शुरू हुई, रोजाना बातचीत होने लगी, और हाँ, लड़की के प्रोजेक्ट पर वरिष्ठ वैज्ञानिक उसे तकनीकी जानकारी भी दी। इतना भाव मिलने से सीना चौड़ा होकर साइंटिस्ट ने अपनी कई उपलब्धियों के बारे में खूब डींगे मारी। मैं गिनती भूल चुका हूँ कि मैंने कितने मिसाइलें बनाई पिछले 3 दशकों में, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। और लड़की उसके अहंकार को और मसाज करती रही। Only you could have done this in the country, sir. अब तक तो वैज्ञानिक का घोड़ा चने के झाड़ पर चढ़ चुका था, लेकिन जिस चीज से वो लड़की की तरफ और ज्यादा लट्टू हुआ वो थी उसके अंदर भरी राष्ट्रवाद की भावना। कुरुलकर तीसरी पीढ़ी के स्वयंसेवक थे और अक्सर अपने राष्ट्रवाद और RSS के साथ संबंधों को सोशल मीडिया पर प्रचार करते थे। I tell you, India will soon finish Pakistan forever. That is the Josh, my girl. हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। अब वो इस लड़की में इतना घुस चुके थे कि देर रात तक उसे बात करते रहते, बिना शर्मिंदा हुए कि उसकी बीवी ठीक बगल में सो रही थी। बाहरी दिखावे में कुरुलकर एक वफादार फैमिली मैन का किरदार निभाते थे। उनके और उनकी डेंटल सर्जन पत्नी के बीच कोई तनाव जाहिर नहीं था, लेकिन वो रिटायरमेंट से और उससे होने वाले अकेलेपन से सिर्फ 6 महीने दूर थे, और ऐसे दृश्य में ये जवान लड़की खुशहाली लेकर आई और उसके जिंदगी में गुल खिला दी। जल्द ही मासूम चैटिंग सेक्सटिंग में बदल गई। आज अंदर क्या पहनी हो मेरे जानेमन? It's your favorite color. फिर वो उसे अपनी सेक्सी तस्वीरें भेजना शुरू कर दी, लेकिन अपना चेहरा छुपाए रखा। ये मस्ती जल्द ही वीडियो कॉल में भी होने लगी। उसे ऐसा लगा होगा कि वो एक परफेक्ट शुगर डैडी था, लड़की को ज्ञान दे रहा था और बदले में थोड़ा मजा चखा। लेकिन इतनी बेताबी थी कुरुलकर को उसे मिलने की कि वो अपनी सरकारी रूसी यात्रा को लंदन तक बढ़ाने की भी सोच लिया, लेकिन दोनों ट्रिप रद्द हो गए। अफसोस कि वो अपनी महबूबा से कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि फरवरी 2023 में एक रोजमर्रा की सर्वेलेंस के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने पाया कि जिस +44 UK नंबर का इस्तेमाल लड़की कर रही थी उसका IP एड्रेस पाकिस्तान से था। उन्होंने DRDO के विजिलेंस विंग को तुरंत अलर्ट भेजा, जिन्होंने अंदरूनी जांच शुरू की कर्नल प्रदीप राणा की अगुवाई में। ये इतना सब कैसे हो गया, यकीन नहीं होता। जांच में ये भी पता चला कि वो औरतों के पीछे पड़ा रहता था और DRDO गेस्ट हाउस में उसे कई औरतें मिलने आती थी। जब कुरुलकर को इस जांच के बारे में पता चला तो ये जानकर उसके तोते उड़ गए कि एक पाकिस्तानी एजेंट ने उसे हनी ट्रैप कर डाला। बेहद शर्मनाक बात, खासकर जब वो पिछले साल ही हनी ट्रैप से कैसे बचे टॉपिक पर सेमिनार अटेंड किया था आर्म्ड फोर्सेस के जागरूकता अभियान का एक हिस्सा। अब डर के मारे कुरुलकर लड़की को ब्लॉक करके अपने मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव से सारा डेटा डिलीट किया, जिसे ATS अब फिर से पाने की कोशिश कर रही है। कुरुलकर से ब्लॉक होने के बाद नाराज पाकिस्तानी एजेंट बेंगलुरु एयरफोर्स यूनिट के एक जूनियर कॉर्पोरल निखिल शिंदे को कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाया और उसके व्हाट्सएप के जरिए कुरुलकर से एक बार फिर संपर्क किया। Why have you blocked me? लेकिन इस बार कुरुलकर ने वापस कोई जवाब नहीं भेजा। इस दौरान जांच में बंदी के स्ट्रिप्टीज से ललचाने वाले तरीके का पता लगा कि वो जैसे जैसे बदन से एक एक कपड़ा उतारती, बदले में कुरुलकर उसे एक एक करके खुफिया जानकारी देता रहा, भारत के मिसाइल, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और पृथ्वी के बारे में। खास ब्रह्मोस के बाद से पाकिस्तानी जासूस हनी ट्रैप में अफसरों और डिप्लोमेट्स को फंसाने की कोशिश और बढ़ा दी। हालांकि जो मामले सामने आए वो ज्यादातर छोटे मोटे शिकार के थे। उनका पिछला सबसे बड़ा शिकार था 2018 में, जब निशांत अग्रवाल को हनी ट्रैप किया गया
ब्रह्मोस पर काम के लिए अवार्ड जीतने वाले एक साइंटिस्ट और इस्लामाबाद में तैनात एक भारतीय डिप्लोमेट को भी दोनों पर बिस्बो पहले ही स्टोरी कर चुका है, लेकिन इस बार उनके जाल में एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी। कुरुलकर ग्रेड एच आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के पद पर थे, डीआरडीओ संस्था में तीसरे स्थान पर, जो केंद्र सरकार के एक मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद के बराबर माना जा सकता है। कई नामचीन पुरस्कार जीतने वाले ये वैज्ञानिक 6000 में से 10 साइंटिस्टों में से एक थे, जो 2000 के दशक में सरकार के जी फास्ट ग्रुप के लिए चुने गए, भारत में डिफेंस रिसर्च के फ्यूचर पर सोच विचार करने के लिए। 1988 से डीआरडीओ में काम करने के नाते उन्होंने कई बड़े मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम किया, पर सबसे ज्यादा मान्यता उन्हें मिली आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिजाइन, विकास और उत्पादन टीम की सफलता के लिए, समझो जिसकी चाबी उसके हाथ में थी। उसका स्टाफ उन्हें मस्त बातूनी बॉस के रूप में याद करते हैं, जो अक्सर अपनी जिंदगी में हुई कहानियां सुनाना पसंद करते थे। वो मेरे करियर का सबसे गौरव का दिन था, जब मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ काम किया, जब वो डीआरडीओ चीफ थे। सिर्फ एक टेकी ही नहीं, वो एक रोमांचक वैज्ञानिक थे, जो सैक्सोफोन, बांसुरी, तबला और मृदंगम सबको बढ़िया से बजाते थे। इसीलिए सबको झटका लगा जब उन्हें 3 मई को गिरफ्तार किया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में, और घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ की गई। क्या बताया उसे? मिसाइल डिजाइन, इंजीनियरिंग सीक्रेट, कैपेबिलिटी, रेंज, डिप्लॉयमेंट, लोकेशन, क्या? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का स्तर रखते हुए उन्होंने 6 देशों का दौरा किया था, चीन, नेपाल, मलेशिया, मॉरिशियस, दक्षिण अफ्रीका और कीनिया। वो सभी अब जांच के दायरे में हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहां भी वो हनी ट्रैप हुए हो। उनके व्यक्तिगत ट्रिप कैलाश मानसरोवर और एवरेस्ट बेस कैंप पर भी इसी वजह से जांच की जा रही है, और उन औरतों की भी तलाश है जो उसे मिलने डीआरडीओ गेस्ट हाउस आती थी, क्योंकि उनके साथ वहां भी दोगलापन हुआ हो सकता है। कुरलकर और आरएसएस का गहरा संबंध होने से राजनीतिक झगड़े भी हुए और भाजपा को मजबूरन अपना बचाव करना पड़ा। हनी ट्रैप में शिकार होने वाले विशिष्ट टाइप के होते हैं, या तो वो जवान है और गुलचर्रे उड़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो बहुत जूनियर है, और सीनियर उस टाइप के होते हैं जिसकी शादी बासी हो चुकी है और इसीलिए बाहर मुंह मोड़ते। प्रदीप कुलरकर दूसरे सांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं, और उसके हनी ट्रैप होने का अफसोस ये है कि वो भारत के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में से थे। डीआरडीओ अब सख्त कदम उठा रही है, कर्मचारियों को सलाह देते हुए कि सोशल मीडिया से दूर रहने की पूरी कोशिश करें और अनजान नंबरों से कॉल का जवाब बिल्कुल न दे। इस हादसे ने सेना को भी हिलाकर रख दिया। हमने इसे बहुत ही सीरियस तरीके से लिया है। सरप्राइज चेक और बाहरी ऑडिट जैसे उपाय खतरे को कम करने में मदद करेगी। जब तक हम इस मामले के नतीजे का इंतजार करें, याद रखिए कि पाकिस्तानी एजेंटों को केवल फिल्मों में ही भारतीय एजेंटों से प्यार होता है, असल में ये सब हनी ट्रैप है। बिस्बो की शायरी। एक था तुर्रम वैज्ञानों का सरदार, एक थी माया खूबसूरती की अवतार। क्या हो सकेगा संगम या थी सोची चाल, प्यार मोहब्बत के सपनों में हुआ वो बेहाल। यू विल ऑल्सो फाइंड दीज सोर्सेज लिस्टेड इन अ वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन।